ये प्रेमानंद महाराज जी आ गए यहाँ पे। मैं थोड़ा मठा लेने गया था। देख रहे हो कितनी लंबी भीड़ है। तो प्रभु जी, आपने सुना होगा बहुत लोगों ने ऐसा कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ था, उन्होंने उनसे क्यों प्रेम किया, उन्होंने धोखा दिया। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद ये सब बातें बोलते हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी द्वारा दिया जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता की इसे एक नई वीडियो में। और आज है डे टू इन वृंदावन में, और यहाँ पे आज हम लोग जो शूट करने वाले हैं, आज का दिन बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग प्रेमानंद महाराज से किस तरीके से यहाँ पे एकांतिक वार्तालाप होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और आज जाके उनके लिए देखेंगे कुछ टोकन्स वगैरह जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं और वो कैसे लेंगे। तो इस वीडियो में ही हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे। बाकी ये बहुत ही ऐसे ही मेमोरी पर्पज से ये व्लॉग है। और चल रहे हैं अब यहाँ से, अभी सब लोग गए हैं हमारे मदन मोहन जी में, और वहाँ जाकर ये सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। फिर इस्कॉन की गौशाला में जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग भी यहाँ से मदन मोहन जी जाएंगे, या देखते हैं प्रेमानंद महाराज के टोकन का पहले प्रोसेस क्या है, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम आपको धीरे धीरे बताएं। दो भाई, दोनों तबाही, हम जाने को तैयार हैं यहाँ से आगे घूमने के लिए। चलो भैया, यहाँ से ये ले लिया जाए पहले। चलो ये देखो, यहाँ हमारे होटल में लक्ष्मी नारायण जी भी विराजमान हैं। श्री वृंदावन धाम की जय। तो प्रभु जी, चल रहे हैं अभी हम लोग प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में, श्री राधा केली कुंज में, और वहाँ आज एकांतिक वार्तालाप के लिए 9 बजे जो है मिलते हैं टोकन। आपको वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर 2 बाबा जी आपसे बात करेंगे, और वो आपको शेष समझेंगे तो आपको टोकन देंगे। तो अभी चल के देखते हैं, बताते हैं कि कैसे काम होता है नहीं होता है। प्रेम विला। प्रेमानंद महाराज जी आ गए। मैं थोड़ा मठा लेने गया था। देख रहे हो कितनी लंबी भीड़ है कुंज के सामने। मूवमेंट था, गुरुदेव जी महाराज को देख लिया है, बस पूरे हो गए। एकांतिक वार्तालाप आपको करने है ना, तो इसके लिए सबसे पहला आपको चाहिए एक प्रश्न, जो कि आपको प्रेमानंद महाराज से आप पूछना चाहते हैं, और वो भौतिक संसार के हिसाब से नहीं, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग का कोई सवाल हो तो आपको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए अगर आपको टोकन चाहिए, तो उसके लिए आपको सुबह 9 से 9:30 बजे आना पड़ेगा यहाँ पर श्री राधा केली कुंज में। और यहाँ पे ये परिक्रमा मार्ग भी पड़ता है, और यहाँ पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, इसके ठीक सामने ही ये पड़ता है। यहाँ पे 9 बजे आ जाइए, और 9 बजे आने के बाद 8:30 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर लाइन लगती है, और उसके अंदर 2 साधु बाबा होते हैं, 2 से 3-4 साधु बाबा हो सकते हैं, जो कि ना हर एक के पास जा करके उनके प्रश्नों को पूछेंगे और उनको बताएंगे। आपका अगर सवाल रेलिवेंट हुआ तो वो आपको सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे, और उसके बाद वहाँ पर फिर से आपका एक सिलेक्शन होगा, और फिर से वो सवाल को पूछा जाएगा। अगर उनके द्वारा वो चीज़ सॉर्ट कर दी गई तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर उनको भी नहीं उसका जवाब समझ में आ रहा है और उनको रेलिवेंट लगेगा, तो वो उस सवाल को लेकर के आपको आगे अगले दिन के लिए एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको टोकन दे देंगे, आपका आधार कार्ड वगैरह देख करके, और आपको वहाँ पे भेज देंगे। तब आप अगले दिन प्रेमानंद महाराज से एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस। और मैं आपको बता देता हूँ, सत्संग के लिए भी यहाँ बहुत लोग लेने आते हैं, जो कहते हैं सुबह लाइन लगती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं
तो 2 बजे के करीब प्रेमानंद महाराज यहाँ से आते हैं, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है रात में 1 बजे या कभी भी आप यहाँ आकर के लाइन लगा सकते हैं। जो श्री राधा किली कुंज के बाहर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, आप देखेंगे तो ये जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है इसके इस तरफ से महिलाएँ होती हैं और इसके इस तरफ जो है पुरुष होते हैं, सारे के सारे यहाँ पर लाइन लगी होती हैं। और इसके अंदर यहाँ पर सत्संग के कुछ 150 टोकन बटते हैं, जो कि सत्संग के 150 टोकन आपको मिल, अगर आपका अच्छा हुआ आप लकी हुए तो आपको वो मिल जाएंगे और आप सत्संग ले सकते हैं अगले दिन सुबह 6:30 बजे से या 6 बजे से, जब से भी वो सत्संग शुरू होता है। तो ये यहाँ पे कुछ मामला बनता है और सत्संग के लिए यहाँ पे होता है एकांतिक वार्तालाप, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो रहे महाराज जी के दर्शन, तो जब महाराज जी 1:30 बजे के करीब वहाँ से निकल करके प्रेम मंदिर के पीछे से वहाँ से निकल करके और यहाँ श्री राधा केली कुंज में जब आते हैं तो उस वहाँ पर आपको उनके बीच रास्ते में दर्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको दर्शन और भी करना है बिना ज़्यादा भीड़ के, तो आप मेरी मानिए तो आप 9:30 या 9 बजे के करीब आप देखेंगे जब यहाँ पर लाइन में लगने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर अंदर यहाँ पर ना जब महाराज जी वापस जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी से, तो यहाँ पर आपको रास्ते में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास अगर आप खड़े हो जाएं लाइन लगा करके, तो वहाँ पर आपको जो है उनके दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि इस वीडियो में। तो इस तरीके से मेरे भी कुछ दर्शन हो गए थे, तो मैं अपने आप को इस बात के लिए ही काफ़ी समझता हूँ। श्री जी ने इतना ही कृपा करके इतने ही दर्शन करा दिए, मैं बहुत खुश हूँ इतने से ही। और अगर आपके पास कोई रेलेवेंट सवाल नहीं है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। लोगों को लगता है कि वो शायद यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पर उनका डायरेक्ट सिलेक्शन और टोकन मिल जाएगा कि वो वहाँ पर खड़े हैं सिर्फ इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप 9:30 बजे भी आओगे तो वहाँ पर अगर वो प्रोसेस चल रहा है और उसके बीच में भी आप आते हो, तो आपसे सवाल पूछे बिना आपको जाने नहीं देंगे। और आपका जो भी प्रश्न होगा, अगर आप सिर्फ अपने प्रश्न उत्तर के लिए ही आ रहे हैं, तो आपके प्रश्नों का हल ज़रूर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जो साधु बाबा यहाँ पे और भी लोग होते हैं जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, वो आपको उसका पूरा जवाब दे के भेजेंगे। अगर उनके पास वो जवाब नहीं हुआ तो ही वो आपको प्रेमानंद महाराज से आगे जा करके वार्तालाप करने के लिए अलाउ करेंगे, ताकि उनको भी वह सवाल का जवाब पता चले। तो ये एक चीज़ है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे पास जो 2 सवाल थे, उन दोनों ही सवाल का बहुत ही सटीक जवाब, जो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो जवाब उन्होंने, जो साधु बाबा बाहर आए थे, उन्होंने मुझे थोड़ी सी बात में ही स्पष्ट बिल्कुल कर दिया। क्योंकि मेरी कहानी सारी मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते। मैंने उनको शॉर्ट में समझाया, वो उतने में ही उन्होंने सारे जवाब जो थे वो अच्छी तरीके से मेरे दे दिए। और यहाँ पर एक यही बात है कि आपके सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो वो पूर्ण हो जाएंगे, तो आपकी चाह पूर्ण हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आंतरिक वार्तालाप लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले होता था लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो रही है, तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे अब टफर हो गया है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका सवाल अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, कुछ भगवत मार्ग से सवाल लाइए, तो आपका सिलेक्शन पक्का होने के चांस मिल गए हैं। बाबा श्री राधा केली कुंज के पास यहाँ पे बल्ले पापड़ी लगाते हैं। कैसा भैया बल्ले पापड़ी हमारा? 30 रुपये देते हैं बल्ले पापड़ी, बहुत ही बढ़िया, ये आप खा सकते हो। इसमें बड़ा, इसमें से ये पापड़ी, बाबा एक पापड़ी और डाल दो। देखो बाबा 5 रुपये कोई बात नहीं बाबा, आपका सामान अच्छा है इतना, इधर प्रेम से बना रहे हो आप सारे छोटे छोटे मसाले। बाबा दही जमाते हो के लेके आते हो? अमूल मस्ती है, अमूल मस्ती। श्री हरि वाह, देखो प्रभु जी यहाँ पे हमारे भैया को मिल गया है सत्संग का जो है निशुल्क, यहाँ पर मिल गया है इसको टोकन, एक मेरा और एक इसका, ये हम दोनों जन का है। और यहाँ पे जाएंगे सत्संग में जो प्रेमानंद महाराज जी द्वारा दिया जाएगा। और कुछ नहीं तो गजरे भाई को मिला है ये टोकन, भैया थैंक यू फॉर दिस भैया। और भाई मज़ा आ गया। अब रात में 2 बजे आना पड़ेगा अपने को, महाराज जी को आते हुए भी देखेंगे और फिर हम उनकी वाणी सत्संग में बैठेंगे और सत्संग भी सुनेंगे फिर उनका, और सुबह 6 बजे तक चलेगा, मस्त मज़ा आएगा। इससे ज़्यादा और क्या लोग यार, मैंने कहा आंटी वार्तालाप थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, सत्संग चलेगा। तो महाराज अब आ गए हैं हम बंसीवट में, अब बंसीवट में आज देखिए हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ श्री 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 मत श्री 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 राम अनुज शास्त्री जी 878
संतों के लगे लगा ला। एक सौ तो आपके आगे का 878 लग रहा ना। हाँ, संत थोड़ी हो आप। 108 ना लगाए हो। 108 नहीं लगेगा आपके आगे, तो इसी 109 लग सकता है आपके आगे। हाँ 109 107 107 में 302 304। ये देखिए है बंसी भट्ट, यहाँ भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी। भैया के साथ चल रहे हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे बंसी भट्ट है, यहाँ पे भगवान ने बंसी बजाई थी। और इस पेड़ में आज भी बताते हैं, इस वृक्ष में आज भी ठाकुर जी की बंसियों की आवाज़ आती है, लोग उसी को कान लगा के सुन रहे हैं। यहाँ ये मंदिर है, पीछे ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ पे यहाँ भी ये बंसी भट्ट, श्री श्री रामानुज पंडित जी अंकल कुछ खोज रहे हैं, गए हैं कुछ सुनने के लिए, को समझ में नहीं आ रहा उनको। कुछ तो करने गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चिल्लाथन कहाँ से आवाज आई? एम1 लगा के सुने, एम1 आई ये वाला पत्रिका, ये सिंगल वाले में आई, आई जो सिंगल वाला। हाँ आँख बंद करके सही से सुनो। हाँ बिल्कुल सही से सुनो। नहीं डरेंगे आ रहा आवाज, ये कान बंद करके, कान आवाज आई माया पूरी आवाज आ। ध्यान मुक्त हो गया है ना, डिस्टर्ब ना करा, पूरा पहुंचा था ना महाराज जी। हाँ कैसा था प्रसाद? प्रसाद बहुत अच्छा था महाराज जी ने 3 दिन से प्रसाद नहीं खाया है, आज सारा प्रसाद पाव आके खत्म कर दिया उन्होंने। मोमोज खाएंगे? मोमोज मोमोज। तो यहाँ पे महाराज जी और हम पी रहे हैं गन्ना, गन्ने का रस। कैसा है महाराज जी? जैसे शादी में नहीं रखते थे मुंह पे कैमरा, खाया नहीं जाता वैसे। भैया को मिल चुका है मोर पंख, अग्गू को मिल चुका है मोर पंख। पैसे यार अपने हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी आए तो पैसे ना दें। तो महाराज जी क्या बता रहे थे, तो गन्ने वाली कहानी तो बताइए। नहीं गन्ना कह रहे, जो गन्ने में 100 रुपया का काम कर लिया, और आपके यहाँ 100 गन्ना। अरे एक गन्ना 5 रुपया नहीं, एक गन्ना 50 रुपया। नहीं तो आप यहाँ बता रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो 100 गन्ना बर्बाद कर देते होंगे डेली के लोग। 150 गन्ना प्रतिदिन खराब कर देते होंगे। बताओ ये गन्ने का काम अगर आप शुरू करें तो कितना पैसा पाएंगे? 2 गन्ने का 100 रुपये। तब बताओ 100 गन्ना रोज हमारा टूटता होगा। अब बताओ कम से कम 5000 रुपये काम कर ले जाओगे, 5 से 10 हज़ार रुपये काम। भाव नहीं है, सबका अलग अलग काम। क्या चीज का चला है, कह रहे मोमोज दिला दे। नहीं तो मोमोज तो तेरी फ्राई मोमोज जैसी है। तो राधे अब हम चल रहे हैं आंटी रिपन की तरफ, अपने पूज्य गुरु जी को लेकर के और अपने भैया को लेकर के। विवाह हुआ है राधा रानी का, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है, पिता का तो अकर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान में ब्रह्मा जी ने किया है, बंधन कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। देखो यहाँ पे भगवान का श्री राधिका रानी से विवाह स्वयं ब्रह्मा जी करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए श्री राधिका जी और भगवान कृष्ण जी का यहाँ पे विवाह हो रहा है। तो जी ये है यहाँ की भांडीरवन विवाह मंदिर का इतिहास, पढ़ सकते हैं आप। यह है मंदिर, यहाँ से चलेंगे हम बाहर की तरफ। ये है श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीरवट में, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इसी वट के नीचे, ये जो इसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे राधा और हम राधा जी का और भगवान कृष्ण का हमारे विवाह कराया था। ये है वो जगह, ये मंदिर यहाँ पे आज भी मौजूद है।
जब सुना ये समाचार कि मेरे पति, तो प्रभु जी आपने सुना होगा बहुत लोगों ने ऐसा कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ था, उन्होंने उनसे क्यों प्रेम किया, उन्होंने धोखा दिया, अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद ये सब बातें बोलते हैं। तो जब कभी भी आपको ये बातें समझानी हो ना उन लोगों को, तो आप बता देना कि जी राधा कृष्ण जी का तो विवाह हुआ था, और वो विवाह हुआ था यहाँ भांडीर वन के अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वृक्ष आज भी मौजूद है, यहाँ आ करके एक बार दर्शन कर ले और उनको पता लग जाएगा कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। ये कोई आजकल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं है जो लोग आए और अपनी काम वासना पूरी की और यहाँ से फुटे, ऐसा कोई सिस्टम या आज के जो पशु टाइप लोग हैं ना वो लोग करते हैं सब, हमारे भगवान नहीं करते। तो उस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान देना राधे राधे। काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो भ्रांतियों में इस बात को करते रहते हैं। तो भ्रांतियों में ये बातें ना किया करें, क्योंकि अगर आपको चीज़ों का पता ही नहीं है और आप किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर आप कभी भी आए, यह है भांडीर वट और ये वृंदावन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ आकर के आप जो है सारी की सारी भांडीर वन और वंशी वट दोनों का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से लीला स्थली का आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएगा। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे। राधे का झूला देख लो दोस्तों, राधे क्या रुपये झूले, आओ राधे 10 रुपये झूला, आओ आओ राधे, आओ राधे 10 रुपये झूला, आओ राधे बैठो, आओ राधे आओ राधे बैठो, ये सिर्फ वृंदावन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, आओ राधे बैठो 10 रुपये झूला है राधे। अरे राधे कमाल कर दिया, राधे 20 रुपये लगेंगे तुम्हें जुकाम है। अरे राधे जो खान पकी देता, तो आज गर्दन घुमा रही है। तो दोस्तों आज हम इस झूले का नहीं, अरे नहीं बैरिंग लगी है उसमें 30-29 की अरे 30-29 की बैरिंग लगी है उसमें, देखो देखो जंग खा गई है लेकिन। महंत जी बच्चों के साथ बच्चे बने फिर हैं आज, नहीं वीडियो से हम एक फोटो डालना चाहते हैं फेसबुक पे जिसमें लिखेंगे आज श्री वृंदावन धाम में मानसरोवर पे महाराज जी श्री 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 रामानुज शास्त्री जी 809 के साथ आज वृंदावन में मानसरोवर में झूला झूलने का आनंद प्राप्त हुआ। अब महाराज जी तुलसी की माला ढूंढ रहे हैं लेकिन तुलसी की माला उन्हें नहीं पा रही है क्योंकि वो लेना नहीं चाहते हैं। अब चला हुआ जो दुकानिया ना हो बड़की रहा हाँ। दिखाया वहीं तनी तुलसी अब वहाँ छोड़ो जा बैक, अगर वहाँ चले अच्छा रहिया हुआ था रहिया हुआ ना बीच से पड़ जाएगा आपको लेना। हम आ गए मानसरोवर में, राधा जी की मन से निकली सरोवर मानसरोवर बड़ा ही सुंदर है दृश्य, यहाँ लोग नहाते भी हैं, पानी मन मैला है, मैला मूला कुछ नहीं है, मुझे राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। कितना सुंदर लग रहा है, गौरी गोपाल आश्रम में, और यहाँ हम देख रहे हैं हमारी मम्मी का फेवरेट है ये, देखो पुलिस में छोड़ दिया वो भी यहाँ शिकायत करने क्या नहीं, भगवान माखन माखन जो खाते हैं ना ये गोपियों का मन ही था कि हमारे घर माए माए हम देखे, शिकायत उतार गोपियाँ करती नहीं थी ये तो भगवान। यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी अभी 7:30 बजे, यहाँ देखो क्या फोटो लगी हुई है मस्त, और ये कार्यालय है ये नया बना हुआ है इनका जिसमें इनका बढ़िया बढ़िया वो हो रहा है कथा,
तो इस कथे में अभी हम जा रहे हैं सुन के नींद आने लगी क्योंकि 7:30 बजे आएंगे प्रश्न के लिए, ऐसा कोशिश है हमारी, देखते हैं बाकी। यहाँ पे प्रे मंदिर में अपने भैया के साथ और अपने महाराज जी के साथ प्रे मंदिर में, हाँ तो प्रभु जी देख लीजिए प्रेम मंदिर में यहाँ पे बत्तियाँ जल चुकी हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसके बाद शायद आपको ना दिखा पाऊँ क्योंकि बंद हो रही हैं। हेलो हरे कृष्णा, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है इस समय, लाली मासी पड़ गई है, 0.5 पे दिखा रहा हूँ आपको, एंगल से बहुत सुंदर आ रहा है ये, इस कैमरे में देख सकते हैं आप, आईफोन के कैमरे में, यह सैमसंग का कैमरा। कैसा लगा महाराज मंदिर, कैसा है? बहुत सुंदर। एक ठे गांव में भी बनवा ले अपने ऐसा, हर साल 1100 रुपए देने की। हाँ, 1100 पहले से तो आप शुरू करवाइए काम, बस 1100 क्या कह रहे हैं, 1100 से 11000 देगा तो खाली डी बाबा मेरी उन्हें एक छत लदवावे के और मैंने 1 लाख खर्चा है, ऐसा करो पहले मैं सोचा आप कर्जा वर्जा लिए जी कहीं से 200-400 करोड़ रुपए का, अब तुम कमाओ तो डी बाबा को छत लगाना है, अभी 200-400 करोड़ रुपए का कहीं से आप कर्जा लेके ऐसा मंदिर बनाना शुरू करें, हम वादा करते हैं हर साल आपको 1100 रुपए पेटीएम कर दिया गया, बाकी और क्या कर सकते हैं बताइए। जय जय श्री गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय प्रेम मंदिर अपना रंग बदलता हुआ, जय गिरिराज, जय गिरिराज। ये है प्रेम मंदिर, देखो कितना प्यारा प्रेम मंदिर है, और इस प्रेम मंदिर में हमारे श्री जुगल किशोर की जय, जय जय श्री राधेश जुगल जी, जय बाल, जय जय जुगल किशोर, चलो भाई चलो भाई, ये है प्रेम मंदिर प्यारा, चलो भाई चलो। प्रेम मंदिर के अंदर का नजारा देख लो प्रभु, श्रीराधेश्याम सुंदर की जय हो, जय प्रभु जी, हरे कृष्णा। बाबा आप आ गए हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, सब आ गए मट्ठा लेने ये मक्खन की दुकान पे प्रभु जी की, गोपेश्वर महादेव के पास में, देखो गोपेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ देखो मट्ठा पी रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट, ओरिजिनल गाय जी पी लीजिए मैम।